ओके, तो जो लोग में भी अभी देखो यहां पर अब कैसे समझ में आएगा, 73 लोग हैं, ठीक है, यहां पर तो 73 लोग हैं बट यहां पर 67 ही है, तो कैसे समझ में आएगा कौन लोग ज्वाइन नहीं किया है। जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया है मैं वो लोग के लिए रिपीट कर रहा हूं, आप लोग को www.menti.com पे जाना है एंड आज का मीटिंग कोड है 12640122, ठीक है। सब लोग अपना पेन, ठीक है, पेपर, कैलकुलेटर, पेन, पेपर, कैलकुलेटर, फोन से खेलोगे और लैपटॉप से ये सब दिखना चाहिए। कोई भी अपना कैमरा नहीं ऑफ करेगा प्लीज, नहीं तो वो लोग को मार्क्स देने पड़ेंगे। मतलब अपना इसमें क्या है कि जल्दी आंसर करोगे तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, तो एकदम देख के आंसर करना है। और आज वाला तो ठीक है बट द प्राइज मनी इज 1000 रुपीज, तो आज सब लोग आ गए, 69 लोग आ गए। अब हम स्टार्ट करें क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग ने भी क्विज कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, सो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं www.menti.com पे जाना है एंड वहां पर जाके द मीटिंग कोड जो है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्ले। ये एक जन कौन है, ये अपना सब सेटिंग कर रहा है, पारस पारस अपना सब सेटिंग कर रहा है। आज वो सोच के आया कि आज वो 1000 रुपए लेके ही जाएगा एकदम। चलो तो लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, calculate the length of time it will take 800 to accumulate to 1000 at a simple rate of interest of 4%। बहुत ही सिंपल सा सवाल, और जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग दिखाएंगे कि कौन है विजेता लीडर बोर्ड में। जल्दी जल्दी, 34 लोग ही किया है अभी तक। 3, 2, 1, time's up. So the correct answer is 6.25 years. 6 1/4 years, जिसको 42 लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन चल रहा है सबसे आगे। सो लीडर बोर्ड में है, सबसे पहले है रजुल अग्रवाल। रजूल अग्रवाल कहाँ है? रजूल अग्रवाल, यस सर, हाँ ठीक है ठीक है। रजूल अपना माइक ऑफ करो, वेरी गुड रजूल। तो समझ गया आप लोगों को, गेम समझ में आ गया कैसे खेलना है इसको। तो पहले आंसर करोगे तो ज्यादा पॉइंट्स। ओके, तुषार गोयल, राधिका, रिद्धि, चलो ठीक है। बाकी लोग भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, कमॉन कमॉन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे। "91-day government bill is discounted at a simple rate of discount of 10% per annum. Calculate the annual effective rate of interest earned on this investment." घड़ी जी, घड़ीमान जी रुकेंगे नहीं आज। एक, द टाइम्स अप। तो आइए देखते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 10.6%, जिसको 15 लोगों ने आंसर किया है। सो आप देखते हैं। ओके तुषार गोयल ने आपकी बार ओके रजुल भी बेसी नहीं है। जयदित्य ने एक बहुत ही ऊंची छलांग मारी और कशिश अग्रवाल ने फास्टेस्ट आंसर किया है। कशिश जिसको कल तक सम्स नहीं आते थे, वो मतलब हर मैंने इसको कितना क्वेरी होता, अभी ज्वाइन किया वो एक हफ्ता पहले। बताओ रेडी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये तो फटाफट से हो जाएगा। ओ क्लोज ऑप्शंस, क्लोज ऑप्शंस। ये एक जो आंसर कर रही है कौन कर रहा है भाई, इतना जल्दी कैसे कर रहा है वो? 13, 17, 18, 20, 22। बने रहिए, बने रहिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। समय समाप्त। वो 8573 जो कि करेक्ट आंसर है। 31 लोगों ने इसको लाइक मार्क किया है। एंड अब हम लोग देखते हैं कि कौन है इसमें सबसे आगे। ओके, तो तुषार गोयल कहाँ है भाई? तुषार गोयल है कहाँ पर? yes, sir. तुषार गोयल yes, sir. कहाँ है वो? गजब, कैसा लग रहा है आपको तुषार गोयल? कैसा लग रहा है आपको? सही है, अभी बाकी है। ठीक है, मतलब क्या लग रहा है, मतलब कितना रुपए आज आप जीत के जाएंगे यहाँ से? 5 करोड़। हाँ 5 करोड़। 5 करोड़, चलिए ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कैलकुलेट द नॉमिनल एनुअल डिस्काउंट रेट कन्वर्टिबल क्वार्टरली दैट इज इक्विवेलेंट टू एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। आपके ऑप्शंस हैं 12.44, 13.74, 11.89 एंड 13.50%। द टाइम्स अप। ये सब क्वेश्चंस के लिए देखो इतना ही टाइम लगना चाहिए। सिर्फ कुछ लोग हैं, लाइक अराउंड 10 लोग हैं जिन्होंने गलत आंसर किया है, बाकी सही भी सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही किया है। द आंसर इज 13.74%। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन है सबसे आगे। ओ द टॉप 2 कंटेंडर्स हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन वेल। मनन और वैशाली। मनन अग्रवाल, अपना माइक ऑन करना। कैसा लग रहा है मनन तुमको? सर क्या बोले, अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है तुमको? 300-400 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब क्या कर लोगे? क्या लग रहा है? ट्राई करेगा सर, ट्राई करोगे। ठीक है, सही आंसर देना जरूरी है। अगर एक गलत आंसर तो वो आपको सीधा ले जाएगी सीढ़ियों में नीचे, तो इसीलिए सही आंसर देना बहुत जरूरी है। और आपकी सारी लाइफलाइंस खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। पांचवा प्रश्न, प्रश्न तो बोलते हैं ना, पांचवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रेजेंट वैल्यू 2000, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, अक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 साल के बाद क्या होगा? टिंग 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 टिंग। सभी लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑलमोस्ट, एंड 2649 लोगों ने आंसर दिया है जो कि बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने 2200। ये जो लोग है ना, ये लोग ऐसे ही आंसर टिक कर दे रहे लास्ट में, नहीं तो इसका आंसर, वरना ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये लोग ऐसे ही आंसर टिक कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कौन है रे ये लोग, कौन है ये लोग, अभी पता चल जाएगा। देखो टॉप 10 में होगा तो अभी रुको बताएंगे। ऐसे ही आंसर टिक कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग दूंगा अगला क्विज में। ओके, तो अब की बार श्रीहरि ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो श्रीहरि, लेकिन ओ सॉरी, तुषार गोयल ने फिर से सबसे पहले आंसर दिया है, फिर मनन, फिर वैशाली, फिर ठीक है चलो कोई बात नहीं। हिमांग माइक ऑन करो, हिमांग माइक ऑन करो। कैसा लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है सर? क्या लग रहा है? काफी लंबी रेस है, काफी लंबी रेस है। तो तुमको क्या लग रहा है, मतलब कर लोगे? कोशिश रहेगी सर, पूरी कोशिश रहेगा। ठीक है चलो ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे खेल में। The sixth question on your screen. डेल्टा दिया हुआ है, D12 निकालना है। डेल्टा दिया हुआ है और D12 निकालना है, फटाफट से करके बताएं। डेल्टा दिया हुआ है और D12 निकालना है, फटाफट से करके बताएं इसको कि क्या होगा इसका। 17, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। 18, 19, 20, 22, देख रहे हो, मतलब ऑप्टिमम टाइम शुड बी 12 से 15 सेकेंड। और 7.97 सबसे ज्यादा लोगों ने आंसर किया है, जो कि सही भी है। और बाकी अब की बार बहुत टफ कंपटीशन है, बाप रे बाप। 6.88 में 10 लोग, 7.45 में, और बहुत लोग नन ऑफ द अबव भी किए हैं कि सर दिए हैं तो होगा ही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं ओके, मनन कैसा लग रहा है? मनन नहीं, रुको, मनन नहीं, जलन उसको होता है जो सेकंड हो जाता है। रुको, तुषार गोयल कैसा लग रहा है? तो मैंने क्यों, ऐसा क्यों है आपको, ऐसा क्या लग रहा है कि क्या कमी रह रही है? पता नहीं, मतलब अभी कैसे कोप अप करने का आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा आपका, मतलब सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट देखते हैं। अब की बार हमारे बोर्ड में और भी लोग ऐड हुए हैं, जैसे कुणाल पंजवानी। अपना माइक ऑन करो। कुणाल पंजवानी रफ्तार पकड़ते हुए, कुणाल पंजवानी मतलब क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? आप बाकी लोग के संग थोड़ा शेयर करेंगे? कुछ नहीं, बस करते गए डायरेक्ट सर, होता जा रहा है। ठीक है, और अभी नया में आई गेस दिव्यांश खंडेलवाल एक नया जुड़ा है। दिव्यांश खंडेलवाल एकदम जस्ट नया जुड़ा है। दिव्यांश खंडेलवाल कहाँ है? यस सर। क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, मतलब नीचे से, मतलब जैसे आप ऊपर उठ रहे, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? यस सर, अभी और पहले आ जाता, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मतलब गलत हो गया। तुम्हारा गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, एक्चुअली मैं नीचे की तरफ तुमको कभी देखा नहीं, इसीलिए। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अभी गेम बाकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। ओ, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, एवी निकालना है टाइम 8 पे, ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 एट टाइम 5। तो कैसे करेंगे ये बताइए इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि मेरे को पता था ज्यादा टाइम लगेगा, बट फिर भी 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दे दिया है। भाई तुम लोग किताब से तो नहीं देख रहे ना, मतलब ऐसे, मतलब क्लास कॉपी से, मतलब ऐसे दिख दिख के तो नहीं कर दे रहा ना? इतना जल्दी कैसे करेगा, हम भी नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी तो। सिर्फ 19 सेकंड रह गए हैं। आई एम अमेज्ड, 46 लोगों ने आंसर कर दिया है इसका। दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा आंसर जो किया है 1290.46 और 36 लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, गेम में बने हुए रहोगे अगर सारा आंसर सही दोगे तो। जल्दी करने का चक्कर में, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, जल्दी करने का चक्कर में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक गेम में अगर बने हुए रहना है तो सारा आंसर सही करना है, जल्दी करने का चक्कर में गलत मत करो। चलो आओ अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के बाद में क्या चेंजेस हुए हैं। ओ, तो ये मतलब एक बहुत ही उछाल। वैशाली, ये कौन वैशाली है? वैशाली ने कंसिस्टेंटली आंसर करके ये कौन सी वाली वैशाली, अब कैसे पता लगेगा किसने ऐसा वैशाली डाला? वैशाली आप ही है क्या? वैशाली खैतोड़ी है क्या? हाँ, तो वैशाली क्या क्या स्ट्रेटेजी रह रहा है आपका? मतलब बाकी लोग के साथ तो शेयर करना चाहेंगे। आवाज नहीं आ रहा वैशाली। ठीक है, शी इज वेरी हम्बल, मतलब वो ये सब का खुद पे वो क्रेडिट नहीं लेना चाहती। शी इज एक्चुअली वेरी हम्बल। ठीक है वैशाली, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। 8वां क्वेश्चन, हिम्मत मत हारो। 22 क्वेश्चन है अभी तो, मतलब 130 ही हुआ है अभी तो, अभी गेम पूरा पलट सकता है। थक जाएंगे लोग, थक जाएंगे, तुम थकना मत। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो, चलो कम ऑन, एकदम फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए। V10 दिया हुआ है, V4 दिया हुआ है, वैल्यू एट टाइम 4 निकालना है, पेमेंट जो हुआ है टाइम 10 पे 860 का पेमेंट हुआ है। सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं, सिर्फ 5 सेकंड। 3, 2, 1, टाइम्स अप। ओ, इसमें भी काफी क्लोज कॉल। 718.24, 28 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं आगे। ओके, श्रीहरि कंसिस्टेंटली धीरे धीरे पड़ाव की ओर बढ़ते हुए, और आई एम सीइंग टोटली न्यू फेसेस अप द टेबल। ये आकाश अग्रवाल कौन है? आकाश अग्रवाल एकदम धीमे रफ्तार से ऊपर जा रही है। आकाश अग्रवाल, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। अब बोलेगा नजर लगा दीजिए, नजर लगा दीजिए, आपको बर्दाश्त हो नहीं रहा है। अरे मेरे को क्या मतलब है यार, मेरे को ऐसे थोड़ी नजर क्या लगाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख भाई, अगर अगला तेरा रॉन्ग होगा तो हमको मत बोलना, ऐसे मत समझना सर नजर लगा दी, ऐसा नहीं बात है। ठीक है, ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हल्का सा डिसाइडर क्वेश्चन रह सकता है, आराम से सोच के करना। 1 जनवरी 2020 है, गलती मत कर देना। तो ओ समय हुआ सबसे, मैं बोल दिया था पहले कि ये एक डिसाइडर क्वेश्चन रह सकता है। तो सही आंसर है 2180.09। सिर्फ 14 लोगों ने इसका जवाब सही दिया। मैं पहले ही बोला था ये एक डिसाइडर क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज द पॉइंट्स टेबल। ओ सिर्फ 3 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ओके ओके ओके, तो अभी ऐश्वर्या कुलकर्णी, अपना माइक ऑन करो। ऐश्वर्या, क्या लग रहा है? ऐश्वर्या कैसा लग रहा है तुमको? सर अभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है। तो मतलब ऐश्वर्या तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, मतलब आने वाले टाइम के लिए? तुमको अभी मतलब थोड़ा मतलब नीचे हो तो कैसे 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 कोप अप करने का क्या प्लान रहेगा? सर अभी वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा टाइम। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। आइए गेम में बने हुए रहिए। ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन है ना शायद ही। हाँ, अभी तो 10 ही को, बाप रे बाप, अभी तो 10th क्वेश्चन ही है। चलो आ जाओ, अभी तो पता चलेगा किसका किसका एक्सेल में कितना जोर है। अभी तो एक्सेल के भी आने वाले थोड़ी देर बाद। ओ 825 एंड ए ड्यू 15। ये कौन आंसर दिया इतना जल्दी, मतलब कौन है ये? A due 15 and A 25. रितिका भूत अपना आंसर देते हुए, ट्विंकल माधोगड़िया हल्का सा कंफ्यूज्ड कि क्या आंसर होना चाहिए। 3, 2, 1। इट्स अ टाइम लिमिट गेम, सो वी नीड टू प्ले वेरी एफिशिएंटली एंड 33% हैव given the correct answer. Again a majority of the students. देखा, गेम में वही जीतेगा जो सारा क्वेश्चन सही आंसर करेगा। फास्ट सही बात है, लेकिन जो सारा क्वेश्चन सही है, मैंने आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करना पड़ेगा हम लोग को। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के बाद में व्हाट इज द पॉइंट्स टेबल। ओके, तो देखो अब धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, पूरा गेम चेंज हो रहा है एकदम। मैं बोला था ना शुरू में ऐसा रहता है, बट धीरे धीरे। कुणाल पंजवानी, लड़का बहुत मेहनती है, कुछ भी बोलो। कुणाल पंजवानी छोड़ा नहीं है, देखो फिर से एकदम फास्टेस्ट आंसर करके वो घुस गया टेबल में। कुणाल पंजवानी, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड, छोड़ना नहीं है। देखो श्रीहरि एकदम कंसिस्टेंटली वो कछुआ वाला चाल चल रहा है। श्रीहरि, श्रीहरि कहाँ है? श्रीहरि कहाँ है? श्रीहरि, वेरी श्रीहरि कहाँ हो? श्रीहरि दिख नहीं रहे हो। हाँ श्रीहरि, मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो? तो मतलब कंसिस्टेंटली ये जो गेम को खेल रहे हो, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रह रहा है तुम्हारा? पता नहीं सर, गलत हो गया तो फिर नीचे चला जाऊंगा। नहीं, डर क्यों रहे हो? गलत होने से डर क्यों रहे हो? गलत होने से डरना नहीं है, ठीक है? नहीं, गलत हो चुके हैं मेरे अभी तक, शायद 2 गलत हो चुके हैं ऑलरेडी। 2 गलत हो गया, लेकिन फिर भी तुम कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़। मैंने कछुए की चाल है इसकी। कछुए जैसे जिस तरीके से स्लोली मूव करता है, वो भी उसी तरीके से अपनी चाल को चल रहा है। तो बाकी लोग भी हिम्मत नहीं हारो, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद में आधा गेम हो जाएगा खत्म। ठीक है, आधा फिर भी बचेगा। इट्स हाउ यू लुक एट इट। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है परपेचुइटी का एंड आंसर। ओके, पहला आंसर आ चुका है। 7, 8, 10। तीन, दो, एक। आई गेस ये वाला बहुत लोग का। हाँ, ओ 28315 is the correct answer. This can be a game change. ऐसा क्यों? Present value of payments of 2000 at time 012 interest rate दे दिया है, तो क्या होगा इसका आंसर? 2000 by D होगा, क्योंकि स्टार्ट में हो रहा है और परपेचुअटी है, तो I से पहले D निकालना था और डिवाइड करना था। इसमें 44 लोगों ने गलत आंसर। ओके आइए, सो ओके, एटलीस्ट यहां पर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए हैं। ओके, सो तुषार गोयल अपना गेम जमाते हुए, तुषार गोयल के पास में अब हमको लगता है बफर भी है कि अगर वो एक क्वेश्चन गलत भी आंसर करेगा तो भी ठीक है। ओके चलो बाकी लोग, क्या हुआ? कम ऑन, अरे तुम लोग एकदम हिम्मत मत हारो, चलो। क्या हुआ रवि चौहान? रवि चौहान कहाँ गलत जा रहे हो रवि चौहान? सर यहाँ पे हम भी आई लेकर ही कर दिए। रवि चौहान ध्यान कहाँ है? वंश सचदेवा, वंश सचदेवा माइक ऑन करो। क्या प्रॉब्लम लग रहा है वंश? कहाँ दिक्कत आ रही है? सब प्रॉब्लम नहीं, दो क्वेश्चन ऐसे थे कि ऑप्शन 2 चूज करना था, गलती से ऑप्शन 1 कर दिया। वाह, तुम केबीसी खेल रहे हो कि क्या खेल रहे हो? इज दिस अ लोकल कंपटीशन? इज दिस अ लोकल कंपटीशन? करोड़ों इन्वॉल्व्ड है। आएगा सर आएगा। अव्या सोनी, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है अव्या? कहाँ दिक्कत आ रहा है? सर वो गलती से मैंने भी आईसी ही डिवाइड कर दिया इंस्टेड ऑफ टी। आपको गेम का सीरियसनेस समझना पड़ेगा। ओके पारस दुआ, पारस सीट तुम बड़ा ठीक कर रहे थे। सर जल्दी के चक्कर में गलत हो गए। जल्दी के चक्कर में गलत, जल्दी नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है। चलो आ जाओ आगे, आगे चलो। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 50% ऑफ द गेम। चलिए आइए, अभी तो गेम चेंजर आएगा जब एक्सेल के 3 क्वेश्चंस आएंगे। ओके सो चलिए, देख के अपना ऑप्शन चूज करना, पहले ही बोल देता हूं, एकदम देख के अपना ऑप्शन चूज करना। एक जन, 3, 4, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, सिर्फ 10 सेकंड। 3, 2, 1, टाइम्स अप। सो ओ 28 लोगों ने, 28 लोगों ने गलत जवाब। कैलकुलेट द पीवी ऑफ पेमेंट्स ऑफ 50 एट टाइम 0। एक बात बताना, 0 से द लास्ट पेमेंट इज एट टाइम 10, तो अगर टाइम 10 पे पेमेंट हो रहा है मतलब टोटल में कितने पेमेंट्स हैं? 11, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहां रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं तुम लोग का? कैसे कैसे तुम लोग कर सकते हो 10? ये तो मैंने जानबूझ के डाला था कि हमको पता था सब लोग यही करेंगे। रश नहीं करिए, बिल्कुल भी रश नहीं करिए, गेम के साथ बिल्कुल रश मत करिए आप लोग। चलिए आइए देखते हैं। ओके ओ हो, देखा, दिव्यांश खंडेलवाल, दिव्यांश खंडेलवाल ने, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। ओके तो आइए मनन का आई गेस बहुत सारा क्वेश्चन। खुशबू अग्रवाल अच्छा खेल रही है। ओके आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी गेम बाकी है, कम ऑन, होप मत लूज करे। चलिए फटाफट, 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसके लिए मैंने टाइम भी काफी दिया है। 8 सेकेंड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, समय हुआ समाप्त। घड़ीमान जी ने ओके तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने सही आंसर किया है और करना भी चाहिए था बिकॉज बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेसिक्स पे जो ये क्विज चल रहा है इसमें आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कितना मेहनत करने का दरकार है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे तो आप लोग को एकदम पूरा प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, ओके तो श्रीहरि, वैशाली, आकाश, वेरी गुड सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हुए एंड बाकी लोग भी प्लीज बहुत अभी भी पूरा गेम बाकी है तो प्लीज एकदम अच्छे तरीके से गेम को खेलते रहें। आइए 14th क्वेश्चन, 22 में अभी हुआ कितना 13, अभी भी 9 क्वेश्चन बाकी है। चलो आ जाओ 14th क्वेश्चन। आई ए बार 10, ठीक है, काफी टाइम दिया मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं क्या है नतीजे। 43 स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है एंड द करेक्ट आंसर इज 40.35। सो यस, आइए अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन है जिन्होंने सही आंसर किया है द लीडर बोर्ड। ओके तो इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स बटोरने वाली यशवी मुरारका, वेरी गुड यशवी ने सबसे पहले आंसर दिया इसका। ओके दैट्स वेरी गुड। चलो आ जाओ, लगे रहो। अक्षत एक नया जो हमारे साथ जुड़ रहा है। अक्षत माइक ऑन करो। अक्षत कैसा लग रहा है? अक्षत क्या कमी रह रही थी पहले, क्या गेम में आपने चेंज किया? सर कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे। ओके मतलब क्या अभी ऐसा आपने क्या स्ट्रेटजी में चेंज किया जिससे सब कुछ सही हो रहा है? आंसर्स करेक्ट हैं, चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए। ओके वेरी गुड। ओके आइए, सब समय की बात है, आइए स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट। ओके तो चलिए, time in days, time and tide, wait for none. सिर्फ अभी तक 2 लोगों ने जवाब दिया है, 3 अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। द मीटर इज राइजिंग ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर आंसरिंग। सिर्फ आपके पास में बच गए हैं 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप। टुवर्ड्स द एंड बहुत लोगों ने आंसर दिया है। ओके सर सही जवाब है, इसमें भी देखो आंसर गलत हो रहा है। कैलकुलेट द टाइम इन डेज फॉर 3000 टू अक्यूमुलेट टू 3800 एट अ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4%। बताओ अब इसमें कि मैं क्या बोलूंगा? 3000 को अक्यूमुलेट करना था, पावर में एन रखना था, 1.04 टू द पावर एन। ओके दैट इज इक्वल टू 3800। ओके तो ओके, चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। आई गेस दिस इज अ गेम चेंजर। बहुत लोग आगे पीछे होंगे, इसमें उलट पुलट होगा बहुत कुछ। आइए तो देखा जाए। सिर्फ एक ने, हिमांग मल्होत्रा, सिर्फ एक ने इसका सही जवाब दिया है। मतलब बाकी सबने इसका, ये क्वेश्चन तो सही था ना हिमांग? हेमा क्वेश्चन का सेवा क्वेश्चन तो सही था ना कि तुम गलत आंसर दिया है? नहीं ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ना जीतने का डर है इसमें, ना जीतने की लालच है, ना हारने का डर है इसमें हेमांग में। वेरी गुड हेमांग, चलो आ जाओ अब आगे बढ़ा जाए गेम में। एक साल का रेट दिया हुआ है, 5 साल का रेट निकालना है। एक जन ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है 4, 5। वेरी गुड। The time is up. सही जवाब है 24.62%। 30 बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड अब हम लोग जाएंगे हमारे लीडर बोर्ड में। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस गलत होना स्टार्ट हो रहे हैं। ओके तो आकाश अग्रवाल धीरे धीरे कछुए की चाल। वेरी गुड आकाश अग्रवाल। राधिका भागवत के कदम तो देखो, राधिका भागवत के कदम देखो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। खुशी श्रृंखला अपना माइक ऑन करो। क्या हाँ क्या कमी रह रहा है खुशी? कल तो तुमने पूरी रात पढ़ाई की है। नहीं सर थोड़ा हाँ सर गलत हो गए, जल्दी जल्दी में गलत हो गए। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मानस शेट्टी कहाँ कमी आ रहा है मानस? सर वही स्टार्ट में थोड़े गलत हो गए। स्टार्ट में थोड़े गलत हो गए, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये आपका उसका क्वेश्चन है। आप लोग को प्राइस दे दिया है, रिडेम्पशन अमाउंट दे दिया है, इंटरेस्ट रेट दे दिया है और एन दे दिया है। ठीक है आप लोग को कूपन रेट निकालना है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन इक्वेशंस ऑफ वैल्यू। ये मैंने कराया था। आप लोग को प्राइस दे दिया है, रिडेम्पशन का अमाउंट दे दिया है, ओके आई दे दिया है 7.75% एंड एन दे दिया है 10 ईयर्स। आप लोगों को कूपन का रेट निकालना है। कूपन का रेट आप लोगों को निकालना है। इस क्वेश्चन को करिए, काफी टाइम दिया है मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को अभी भी 1 मिनट बाकी है। देखिए मैंने कितना टाइम दिया है, मैं किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं कर रहा हूं, मैंने कितना टाइम दिया है। कम ऑन पारस, कम ऑन पारस। हिम्मत नहीं हारना है। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। एकदम लास्ट क्वेश्चन तक हिम्मत नहीं हारना। एग्जाम में मान लो शुरू का 2-3 नहीं आएगा तो क्या छोड़ दोगे? This quiz is being conducted from Cape Town, South Africa. As you can see at my back, the lush greenery and the 15 second baki. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. समय हुआ समाप्त। तो सही आंसर देखेंगे 10.5%। ओ नहीं, 10 इज द करेक्ट आंसर। बाप रे बाप, 31 लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। इससे ये पता चलता है कि बहुत लोग इक्वेशन का वैल्यू अभी तक किया नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 15 लोग। सोचो संडे को होने वाला था, हम तो 2 दिन और आगे किया, आज ट्यूसडे है। अब समझ में आ रहा है, पेस रखना पड़ेगा पढ़ने का। एंड एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप द पेस। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने लोगों ने इसका दिया है सही जवाब। द करेक्ट आंसर वाज 10%। ओके ओके, तो कितने लोग आगे जाएंगे? ओके सिर्फ 4 लोग गए हैं आगे। ओके जिसमें यशवी मुरारका ने एक बहुत ही ऊंची छलांग, ठीक है, यशवी मुरारका की एक बहुत ही अच्छी और ऊंची छलांग, दिव्यांश खंडेलवाल, आकाश कछुए की चाल, श्रीहरि एकदम निरंतर लगे हुए, एंड तुषार गोयल चमचमाते हुए ट्रॉफी की और आगे बढ़ते हुए। तुषार गोयल, ठीक है, किसी का उनको डर नहीं, किसी का उनको खौफ नहीं। आइए, 5 डेफर्ड है वो, ठीक है, 5 डेफर्ड, A10। चलो चलो, रजुल आगे आगे, रजुल, अनुश्री, अनन्या कौशल, प्रेरणा, भाविक जैन, सांची, दिया, रवि, ट्विंकल, सब लोग लग जाओ एकदम। 5 डेफर्ड, A10। तो बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है इसका। आई होप सो ये सबका सही भी होना चाहिए। आइए देखते हैं, द टाइम इज अप एंड बहुत लोगों ने दिया है। अब तो हमको डर लगता है, पता है, अब तो हमको ये बोलने में डर लगता है कि सही जवाब ये है, सब लोग गलत दे देता है आंसर। अब तो हम नहीं बोलेंगे पहले से, अब हम देखेंगे टिक मार्क किस में आ रहा है। 6.0502 इज द करेक्ट आंसर एंड 45 में से तो धोखा हो गया लास्ट क्वेश्चन में। हम देखा ये सब लोग दिया तो ये सही होगा, सबका गलत है। तो चलिए, 6.0502 इज द करेक्ट आंसर एंड आइए देखते हैं कितने लोगों का ये सही है। सुनो ना, एक्सेल पढ़ के आए हो? अभी देखो, मजा आएगा, अब पता चलेगा। ओके, तुषार गोयल, ओके, यशवी और दिव्यांश में कड़ी टक्कर, रितिका भूत, अक्षत, ओके। आइए 19वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अभी भी बाकी, 4 मतलब जीने के हैं 4 दिन, 4 बोतल वोट का, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। 4 हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रेलेवेंस इन योर लाइफ। ओके चलिए, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ वी लुकअप इज करेक्ट? आइए देख के बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ वी लुकअप इज करेक्ट। 3, 2, 1, समय हुआ समाप्त। अब इसमें सब लोग भगवान से मना रहा होगा, हे भगवान जो टिक्की है वो सही हो जाए। बट 22 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे गेम में सारे की सारी लाइफलाइंस खत्म है, शुरू से ही कोई लाइफलाइन नहीं है गेम में, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ओके, तो सिर्फ 3 लोग पढ़ रहे हैं एक्सेल, और उन्होंने वरुण अग्रवाल ने सबसे तेज जवाब देते हुए एक्सेल दिखा दिया है कि एक्सेल कैन ऑल्सो बी अ गेम चेंजर, ठीक है। तो देखो हम कितना मौका दिया, कितना सारा गेम चेंजर क्वेश्चन है। अगर कोई एक आदमी, मैंने कोई एक स्टूडेंट अगर 1-2 गलत भी करता ना तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो फर्स्ट गेम है, आगे और भी आएंगे, सीरीज है ये पूरा। अरे भाई, केबीसी 9 बजे होता था, हम लोग का 5 बजे होता है, 6 बजे होता है, क्या दिक्कत है? आ जाओ, तो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आउटपुट इज ट्रू? Sir, all are looking true. Okay. साची लाखपाल बहुत ही गहरी सोच में. टाइम इज अप. ओके सो बहुत ही कड़ी टक्कर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में. देखा अभी भी हम नहीं बोले ना, हम अभी बोले नहीं ना, क्यों नहीं बोले हम कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हमको पता था ऐसा कुछ मेरे संग धोखा होगा. भाई तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. ये तो एक्सेल का बेसिक्स है, एक्सेल का बेसिक्स है ये. मंथ ठीक है, ये मेरे को भी आता है ठीक है ना. तुम लोग क्या समझते हो, मेरे को आता नहीं एक्सेल. हाँ एक्सेल मेरे को भी आता है. चलो ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. ये तो हम लोग को 12-11 में सिखाया था, ये सब कॉलेज में भी सिखाया था. आ जाओ देखते हैं. तो ओ ओके देखा, नाम देखो क्या है, नाम देखो क्या है, पंजवानी. मैंने जब पंजा पहले ऐसे धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, फिर एक पंजा मार के ऊपर, इसलिए इसका नाम रखा है पंजवानी. ठीक है, इसे धीरे देखो, तुम मूवमेंट देखा करो इसका, धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, एक पंजा मारता है ऊपर की तरफ एकदम. ठीक है, तो अंशुल एक नया है जो आया है ऊपर. अंशुल 8 है बेटा, तो जस्टिस करो इसके साथ. अंशुल बेटा 8 है, 8 लिखा हुआ है इसमें, एक ऊपर आओ. चलो आ जाओ. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे शो. मैं आपका होस्ट. इफ डी इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा इन एक्सेल. ओके काफी टफ क्वेश्चंस एक्सेल से. The time is up and oh काफी अच्छी टक्कर रही, but the correct answer is option C. अब हम कुछ नहीं बोलते. देखा अब हम कुछ नहीं बोलता है. बहुत डेंजरस हो तुम लोग, बहुत डेंजरस हो. Okay, तो काफी अच्छी टक्कर रही. The correct answer is option C. आइए देखते हैं. ऊपर की तरफ से कोई सही जवाब नहीं. इनको तो मिल्खा सिंह का याद आ रहा है भाई. ओके तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं. आओ. ओके सो द लास्ट क्वेश्चन. सपोज द फॉर्मूला दिस इज इन सेल D10. ओके आइए सिर्फ 15, 16 टिक टिक 12 टिक टिक 10 टिक टिक 7 टिक टिक 5, 3, 2, 1 एंड टाइम इज अप. लास्ट क्वेश्चन. 23 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, 35 लोगों ने दिया ऑप्शन बी जो कि गलत था. 23 लोगों ने यूज गोल सीक टू सेट D10 टू 850 बाय चेंजिंग F8 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं हु आर द फाइनल विनर्स एंड ओके सो यस तुषार गोयल ने ये जीत लिया है. 1,000 रुपए का जीपे अमाउंट. बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बिकॉज एटलीस्ट यू हैव पार्टिसिपेटेड. आई एम रियली हैप्पी कि तुम लोग सब पार्टिसिपेट किए हो इसमें. एंड वी विल डेफिनेटली कंडक्ट दिस फॉर ऑल द चैप्टर्स. ओके आई एम रियली हैप्पी कि सब लोग ने पार्टिसिपेट किया है. दैट इज एक्चुअली वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस ऑल्सो दैट इट गिव्स अ रिजल्ट टू आवर हार्डवर्क. ओके बट डोंट लूज होप. कल आप लोग का क्लास है. ठीक है, कल आप लोगों का क्लास है तो टाइमिंग्स एंड ऑल मैंने ग्रुप में बता दिए. एंड इससे क्या समझ में आता है, जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो हड़बड़ी मत करो. जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक कर रहे हो, कोई भी एक्सेल में कर रहे हो, उसको पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ो. टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं. अगर मान लो टाइम नहीं भी मिल पा रहा है तो उसको और अच्छे तरीके से कैसे करना है वो तुम लोग को सोचना है. मैट का क्वेश्चन करो, पीछे के एक्स असाइनमेंट्स करो. ठीक है। और एक बात बता देता हूं, शुरू में देखो कौन थे और एंड में कौन है। तो अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तो तुम लोग सिलेबस के स्टार्ट में हो, अभी 4 महीना है। तो अगर किसी के मन में हिडन क्वेरी है ना, सर हम रैंक लाना चाहता है, तो अगर हम आज से डेली पढ़ेंगे तो क्या मेरा आ सकता है? आ सकता है। तो अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुए ही 1 महीना हुआ है, ठीक है। तो कल हम लोग का प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्लास है, सब लोग को आना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी तो कॉन्टेस्ट है, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ओके बाय।